कश्मीर के अंदर ये सरकार ने 40,000 से ऊपर फौज को भेजकर, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजकर आज कश्मीर की जनता की आवाज को दबा दी। क्या जहां पर 370 लागू नहीं है, क्या वहां पर आपने रोजगार दे दिया? वो कहते हैं कि जहां पर 370 आरक्षण के अंदर बाधा आती है। हम पूछना चाहते हैं गृह मंत्री जी से, जहां पर 370 लागू नहीं है, वहां पर आपने कितना आरक्षण दे दिया? जब कश्मीर भारत का अटूट अंग हो सकता है तो कश्मीरी क्या भारत के अटूट अंग नहीं है? जमीन की एकता कर रहे हो, दिलों की एकता नहीं। इट इज एन असल्ट ऑन द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन टू अस by Dr. Ambedkar and other galaxy of leaders at that point of time. कश्मीर के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, इस देश के फेडरलिज्म के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करें। कश्मीर पे हमले नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदुस्तान की संविधान हमारे आजादी की संघर्षों की कुर्बानी के आधार पर बनी है और मोदी शाह की जो जुड़वा भाई है वो एक तरफ अपने बहुमत की बुलडोजर लेकर, ये संविधान उनका संविधान नहीं है, ये संविधान हमारा संविधान है, इसकी रक्षा के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे प्रिय साथियों, ये केवल कश्मीर का सवाल नहीं है। आप सोचो इस बात को कि आज हम यहाँ देश की संसद के सामने हम यहाँ अपने विरोध प्रकट कर रहे हैं, हम अपनी मत प्रकट कर रहे हैं। अगर आपके घर के ऊपर कोई हमला करता है, कोई बुलडोजर आता है और बिगैर आपसे उस मकान को गिरा देता है, आप क्या करेंगे? आज कश्मीर की जो प्रदेश है, कश्मीर की जनता ने कुर्बानियों के साथ 1947 में ये कश्मीर की जनता थी जिन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान का अंग बनाया है। उनकी कुर्बानी थी जो उस समय पाकिस्तान की इन्वेडर्स को वापस करके उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। और आज आपने इतना बड़ा धोखा दिया, आज यहाँ विरोध हो रहा है, लेकिन कश्मीर के अंदर ये सरकार ने 40,000 से ऊपर फौज को भेजकर, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजकर आज कश्मीर की जनता की आवाज को दबा दी। आप सोचो पिछले 4 दिन से कश्मीर के साथ हिंदुस्तान का बाकी जगहों का कोई कांटेक्ट नहीं है। ये देश को एकता करने का है, ये देश को जोड़ने का है, या देश को टुकड़े टुकड़े करने का है? मोदी शाह इसका जवाब दो। जिस तरह से कश्मीर राज्य को तोड़ करके अब 2 केंद्र शासित टेरिटरी बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर कल बिहार राज्य को खत्म करके उसको अगर मिथिला और मगध और भोजपुर और कोशी, अगर 4 यूनियन टेरिटरी में खत्म कर बदल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? यूपी के लोगों को सोचना चाहिए, कल अगर उत्तर प्रदेश को भंग करके उसको पूर्वांचल, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, इस तरह से कई केंद्र शासित टेरिटरी में अगर उत्तर प्रदेश को बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? सोचना चाहिए कि आज 370 इतिहास के कारणों से कश्मीर के लिए एक विशेष प्रावधान था। बिल्कुल जिस तरह से हमारे देश की सामाजिक बनावट के चलते, हमारे देश के इतिहास के चलते, इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला हुआ है। आज अगर राष्ट्रीय एकता के नाम पर कश्मीर का विशेष प्रावधान खत्म कर दिया गया, कल अगर सामाजिक एकता के नाम पर बिल्कुल आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाएगा तो हमें कैसा महसूस होगा? आज ये सोचने का समय आ गया है। देश के बहुत सारे पहाड़ी राज्यों में
बहुत सारे आदिवासी बहुल इलाके में ये अधिकार है, झारखंड के आदिवासियों का ये विशेष अधिकार है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, फिफ्थ शेड्यूल के तहत इस देश के आदिवासियों को उनके जमीन पर अपना हक था। ये कौन लोग जमीन की बात कर रहे हैं जो आज सोनभद्र में आदिवासियों की हत्या करके उनकी जमीन को कब्जा कर रहे हैं? ये ही जमीन कब्जा करने वाला गिरोह है, कॉरपोरेट गिरोह है, जो आज कश्मीर को सिर्फ एक जमीन के रूप में देख रहा है। कश्मीर जमीन नहीं है, कश्मीर एक जिंदा मुल्क है, एक जिंदा कौम है, एक जिंदा संस्कृति है वहाँ के लोग। और इसीलिए हम यहाँ पर कहने के लिए आए हैं कश्मीरियत के हम साथ हैं, हम कश्मीरी जनता के साथ हैं, और कश्मीर के ऊपर जो दमन है हम उसके खिलाफ है, और पूरे भारत के लिए ये खतरे की घंटी है, ये चेतावनी है। संविधान को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इस देश का जो संघीय ढांचा है इसको अगर बरकरार रखना है, तो आज इस वक्त हम आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिल करके कश्मीर के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, इस देश के फेडरलिज्म के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करें। जो कश्मीरियों के साथ विश्वासघात किया गया है वो एक हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र में काला धब्बा है, ऐसा हम मानते हैं। साथियों, आपने देखा गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो किस तरीके से लोगों को बहकाने की कोशिश की है, बोलते 370 रोजगारी के लिए आड़ एक हडल का काम करती है। हम पूछना चाहते हैं गृह मंत्री जी से कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन 5 वर्षों की सरकार जो आपकी चली और जो आपकी चल रही है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर बढ़ी है, क्या जहां पर 370 लागू नहीं है क्या वहां पर आपने रोजगार दे दिया? वो कहते हैं कि जहां पर 370 आरक्षण के अंदर बाधा आती है। हम पूछना चाहते हैं गृह मंत्री जी से, जहां पर 370 लागू नहीं है वहां पर आपने कितना आरक्षण दे दिया? आप तमाम साथी जानते हैं जितने भी सरकारी महकमे हैं जहां पर खाली पड़ी वैकेंसियां इस सरकार ने अबॉलिश कर दी है, फिर आप कौन से आरक्षण की बात करते हैं? आप बोलते हैं 370 वहां पर लोगों को जमीन नहीं खरीदने देता। हम पूछते हैं तमाम नॉर्थ ईस्ट के अंदर किस तरीके से धंधा होता है, वहां पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर धंधा करते हैं लोग, स्टेटमेंट लगाते हैं कि नहीं, फिर 370 की हुई आड़ क्यों लेते हैं? आज आपको जमीन खरीदनी है, आपको कश्मीर को बेचना है, लूटने के लिए आप 370 को हटाते हैं, आप वहां की संविधान विधानसभा को खत्म करते हैं, आप कहते हैं कि वहां पर खतरा था। हम आपसे पूछते हैं कश्मीर के विधानसभा के ऊपर तिरंगा लहरा रहा था कि नहीं लहरा रहा था? हम आपसे पूछते हैं वहां के गवर्नर हाउस पर तिरंगा लहरा रहा था कि नहीं लहरा रहा था? बिल्कुल लहरा रहा था। इन 70 सालों के अंदर कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है, आगे भी कश्मीर हमारा रहेगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। फिर क्या ऐसी बात आ गई कि आपने रातों रात ताबड़तोड़ ये इस तरीके का फैसला लिया? जब आपके गवर्नर से वहां पूछा गया कि भाई आप ये लागू करने जा रहे हैं, तमाम मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों को आपने मना किया ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, और आप उन्हीं मुख्य राजनीतिक धारा की पार्टियों को आपने वहां पर उनके नेताओं को अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया, और पार्लियामेंट के अंदर बोला वो अपने घर से बाहर नहीं आना चाहते। कितने झूठ, इतना बड़ा झूठ इस संविधान के साथ इन्होंने किया, हिंदुस्तान की जनता के साथ किया। जब कश्मीर भारत का अटूट अंग हो सकता है तो कश्मीरी क्या भारत के अटूट अंग नहीं है? अब कश्मीरियों को अलग करके अब कश्मीर को आप अटूट अंग की बात कह रहे हो तो ये सिर्फ जमीन की एकता कर रहे हो, दिलों की एकता नहीं। और इस तरीके से जो खिलवाड़ जो हो रहा है, जो वादे जो किए हैं उनके साथ, उन सब वादों को आज टुकड़ा के आज जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, ये ना सिर्फ गैर जनतांत्रिक है, ये हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता और देश के एकता और अखंडता के लिए जो जिस तरीके से हम सब प्रतिबद्ध है उसके खिलाफ ही एक बहुत बड़ा हमला है। यही भाजपा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बातें कहती थी बड़े बड़े कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत के आधार पर कश्मीर की समस्या का हल होगा। अब इंसानियत गई बाढ़ में, आज कश्मीरियत को आज यही सरकारी जो मुलाजिम थे पहले उनका बयान आता है कि अब कश्मीरियत को हमने दफना दिया और इसके अंदर बहुत बहादुरी की बात वो मानते हैं अपने आप जो किया। इस तरीके से हमला जो हुआ है कश्मीर के अंदर, ये फिर उसी प्रकार की बात हो रही है जिस तरीके से इसराइल ने फलस्तीनियों के साथ बर्ताव किया। इसराइल ने फलस्तीनियों के साथ जो बर्ताव किया एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी के रूप में, उस तरीके की बात अगर अपने देश के अंदर है ये बर्दाश्त नहीं है। और कश्मीर की खाड़ी को अगर गाजा स्ट्रिप जैसे बनाना चाहते हो आप, तो इस तरीके की तनाव अगर देश के अंदर ही फैलेगी तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए ही खतरा है। वी कंसीडर इट इज एन असॉल्ट
on the very constitution of India given to us by Dr. Ambedkar and other galaxy of leaders at that point of time. Having captured the political power, the right-wing fascist forces are supporting the constitution being in power. And the way they brought the legislation and the way they got the abrogation of Article 370, it is an assault on democracy, it is an assault on constitution, it is an assault on the federal principles of our democratic polity. The left parties condemn this. The left parties want the government to review and reconsider the legislation.